हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 10th क्लास का सेकंड लेसन द क्रिप स्टोरी आगे पढ़ेंगे। लेटर ही पैटेड मी ऑन द हेड, उसने मेरे सिर को थपथपाया एंड सैड और कहा, नेवर माइंड, कोई बात नहीं। ही हैड टीच मी टू कुक, वह मुझे खाना पकाना सिखाएगा। ही आल्सो टोट मी टू राइट माई नेम एंड सैड ही वुड सून टीच मी टू राइट होल सेंटेंसेज एंड टू एड नंबर्स, और उसने मुझे कहा कि वह उसे मेरा नाम लिखना भी सिखा देगा और इसके साथ साथ वह मुझे पूरे के पूरे वाक्य बनाना भी सिखा देगा और मुझे नंबर जोड़ने भी सिखा देगा। आई वॉज ग्रेटफुल, मैं बहुत आभारी था। आई नो, मैं जानता था, दैट वंस आई कुड राइट लाइक एन एजुकेटेड मैन देयर वुड बी नो लिमिट ऑन टू बट आई कुड अचीव, कि एक बार मैं सीख गया लिखना पढ़ना तो मेरे काम की कोई सीमा नहीं रहेगी। आई वॉज क्वाइट प्लेजेंट वर्किंग फॉर अनिल, मैं अनिल के साथ काम करते हुए बहुत खुश था। आई मेड द टी इन द मॉर्निंग एंड देन वुड टेक माई टाइम बाइंग द डे सप्लाइज, मैं सुबह सुबह उसके लिए चाय बनाता था, उसके बाद मैं घर का सामान खरीदने के लिए चला जाया करता। यूजली मेकिंग ए प्रॉफिट ऑफ अबाउट 1 रुपीज़ ए डे, और लगभग मैं प्रतिदिन 1 रुपया भी कमा लेता था। आई थिंक ही, मैं सोचता हूँ कि वह जानता था। आई मेड ए लिटल मनी दिस वे, कि मैं इस तरीके से पैसे थोड़े से कमा लेता हूँ। बट ही डिड नॉट सीम टू माइंड, परंतु वह बिल्कुल भी बुरा नहीं मानता था। अनिल मेड मनी बाई फिस्ट एंड स्टार्स, अनिल की जो आमदनी का साधन था वह अनियमित था। ही वुड बोरो 1 वीक, एक सप्ताह वह उधार ले लेता था, लैंड द नेक्स्ट, अगले सप्ताह वह वापस लौटा देता था। ही केप्ट वोरिंग अबाउट हिज नेक्स्ट चेक, और कभी कभी तो वह अपने आने वाले चेक के लिए परेशान सा भी नजर आता था। बट एज सून एज इट अराइव्ड ही वुड गो टू एंड सेलिब्रेट्स, लेकिन जैसे ही उसका चेक आ जाता था वह उत्सव मनाने के लिए बाहर दौड़ पड़ता था। इट सीम्ड ही रोड फॉर मैगजीन्स, ऐसे लगता है कि शायद वह पत्रिकाएं लिखा करता था। एक क्वीर वे टू मेक ए लिविंग, और यही उसकी आजीविका कमाने का अनोखा साधन था। वन इवनिंग, एक शाम को, ही मेक होम विद ए स्मॉल बंडल ऑफ नोट्स, वह एक छोटा सा नोटों का बंडल लेकर आया था, सेइंग ही हैड जस्ट सोल्ड ए बुक, और उसने मुझे बता दिया था कि वह एक किताब बेच कर आया है पब्लिशर, प्रकाशक को। एट नाइट आई सॉ टक द मनी अंडर द मैट्रेस, रात को ही मैंने उसे तकिए के गद्दे के नीचे पैसे रखते हुए देख लिया था। आई हैड बीन वर्किंग फॉर अनिल फॉर ऑलमोस्ट ए मंथ, मुझे लगभग अनिल के साथ काम करते हुए 1 महीना हो गया था। एंड अपार्ट फ्रॉम चीटिंग ऑन द शॉपिंग, और मैं लगभग प्रतिदिन शॉपिंग खरीदारी करते हुए 1-2 पैसा कमा लेता था। एंड हैड डन एनीथिंग इन माई लाइन ऑफ वर्क, परंतु इसका मतलब ये नहीं था कि जो मेरा काम था असली मैं उससे ही दूर चला गया हूँ। आई हैड एवरी अपॉर्चुनिटी फॉर डूइंग सो, और मेरे पास भरपूर अवसर हो गए थे। अनिल हैड गिवन मी टू की द डोर, अनिल ने मुझे दरवाजे की चाबी भी दे दी थी। एंड आई कुड केम एंड गो एज आई प्लीज्ड, और जब मेरा मन चाहे मैं अंदर बाहर आ जा सकता था। ही वॉज द मोस्ट ट्रस्टिंग पर्सन आई हैव नेवर मेट, इतना विश्वसनीय व्यक्ति जिससे मैं पहले आज तक कभी नहीं मिला था। एंड दैट आई इट वॉज सो डिफिकल्ट टू रोब, और यही कारण है कि ऐसे व्यक्ति को लूटना बहुत ही कठिन काम होता है। इट इज ईजी टू रोब ए ग्रीडी मैन, एक लालची आदमी को लूटना बहुत ही आसान काम होता है। बिकॉज ही कैन अफोर्ड टू बी रोब्ड, क्योंकि वह सहन कर सकता है लूटना। बट इट डिफिकल्ट टू रोब ए केयरलेस मैन, परंतु लापरवाह व्यक्ति को लूटना बहुत ही मुश्किल काम है। सम टाइम, कभी कभी, ही डज नॉट इवन नोटिस ही हैड बीन रोब्ड, कि वह तो कभी माइंड ही नहीं करता है कि उसे लूट लिया गया है। इसीलिए टेक ऑल द प्लेजर आउट ऑफ द वर्क, इसलिए खेल का सारा मजा खराब हो जाता है। वेल इट इज़ टाइम आई डिड रियल वर्क, अब समय आ गया है कि मैं असली काम पर आ जाऊँ। आई टोल्ड माई सेल्फ, मैं अपने आप से ही बातें कर रहा था। आई एम आउट ऑफ प्रैक्टिस, मैं अभ्यास मेरा छूट चुका था। आई डोंट नॉट टेक द मनी, यदि आज मैंने वो पैसे नहीं लिए, ही विल ओनली वेस्ट ऑन हिज फ्रेंड्स, वह अपने मित्रों के ऊपर सारे पैसे लुटा देगा। आफ्टर ऑल ही डज नॉट इवन पे मी, मुझे पैसे भी नहीं देता है। अनिल वासली अनिल सोया हुआ था। आई बिगेन ए बीम ऑफ मून लाइट स्लेप्ट ओवर द बालकोनी एंड फेल ऑन द बेड, एक चंद्रमा की किरण पूरे बालकोनी में और उस बिस्तर पर फैली हुई थी। आई सेट अप ऑन द फ्लोर, मैं फर्श पर बैठ गया था। कंसीडरिंग द सिचुएशन, सारी सिचुएशन को विचार विमर्श करते हुए देख रहा था। इफ आई टुक द मनी, यदि मैंने पैसे ले लिए तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ, मैं 10:30 बजे वाली लखनऊ एक्सप्रेस पकड़ सकता हूँ। स्लीपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, मैं खिसक कर बाहर आ गया था ब्लैंकेट से। आई क्रैप्ट अप टू द बैग, अनिल वाज एस्लीप, मैं रेंगता हुआ बेड्स की तरफ आया। अनिल वाज स्लीपिंग पीसफुली, अनिल शांतिपूर्वक सो रहा था। हिज फेस वाज क्लियर एंड लाइन, उसका चेहरा बिल्कुल साफ सुथरा था और उसके चेहरे पर कोई लाइनें नहीं थी। इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस, यहाँ तक कि मेरे चेहरे पर बहुत से मार्क्स भी बने हुए थे।
माइन वर मोस्टली स्केयर्स जहाँ तक थी ज़्यादातर मेरे चेहरे के निशान कटे हुए के थे। माई हैंड स्लाइड अंडर द मैट्रेस, मेरा हाथ खिस धीरे धीरे आगे बढ़ाते हुए मैंने गद्दे के नीचे किया, सर्चिंग फॉर द नोट्स, नोटों की तलाश करते हुए। व्हेन आई फाउंडेड द, मैंने जब उन नोटों को पा लिया, आई ड्रू देम आउट विदाउट ए साउंड, बिना आवाज किए हुए मैं आगे बढ़ गया। अनिल सैंगड इन हिज स्लीप, अनिल अभी भी सोया हुआ था। एंड टर्न ऑन हिज साइड, और उसने उसकी तरफ ही करोट ले ली थी। टू वर्ड्स मी, मेरी तरफ ही। आई वॉज स्टार्टेड एंड क्विकली क्राउडेड आउट ऑफ द रूम, मैं जल्दी से बाहर आया और मैं रेंगता हुआ कमरे से बाहर चला गया। When I was on the road, जब मैं सड़क पर आ गया, I began to run, मैंने दौड़ना शुरू कर दिया। I had the notes on my waist, मैंने अपनी कमर पर, held there by the string of my pajama, अपने पाजामे के नाड़े से मैंने उन नोटों को अपनी कमर में बांध लिया था। I showed down to the walk and counted the notes, मैंने अब धीरे धीरे चलना शुरू कर दिया था और नोटों को भी गिनना शुरू कर दिया था। 600 rupees in 50s, 50-50 के नोट थे, 600। आई कुड लाइव लाइक एन ओवर ब्रिज फॉर ए वीक और टू, और अगर मैं जीना असली मजा करना चाहता हूँ जिंदगी का, तो एक जो धनवान और अमीर व्यक्ति होता है जो कि अरब का एक तेल व्यापारी होता है, उसकी तरफ एक दो सप्ताह बिता सकता था। अब इन प्रश्नों के उत्तर आपने टेक्स्ट बुक की सहायता से लिखने हैं और याद करने हैं। हु डज आई रेफर टू इन दिस स्टोरी, हु डज आई refer to in this story. Next question is, what is he a fairly successful हैंड एल। थर्ड क्वेश्चन इज, व्हाट डज ही गेट फ्रॉम अनिल इन रिटर्न फॉर हिज वर्क, इन रिटर्न for his work। इन प्रश्नों को आपने टेक्स्ट बुक की सहायता से लिखना है।